तो आज डे टू है हमारा और हम हैं पिथौरागढ़ में अभी। और जो पीछे आप होटल देख पा रहे हैं, प्लाज़ा होटल, जी हाँ, हम यहीं रुके थे और खाना वगैरह भी यहीं पर ठीक ठाक मिल गया था। और हमने 2000 में एक कमरा बुक किया था, तो हमने दो कमरे ले लिया था यहाँ पर, तो लगभग 4000 रुपये का हमारा एक्सपेंस रहा और खाने का लगभग 1000 के आसपास का हमारा टोटल रहा। आज का जो डिस्टेंस होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है और बहुत ज़्यादा टायरिंग होने वाला है। वो क्यों होगा, वो सारी चीज़ें ना मैं आपको रास्ते पे चलते चलते बताऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। और बहुत ही लंबा दिन होने वाला है आज, इतनी जल्दी दिन आज का ख़त्म नहीं होने वाला। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसे दो पार्ट में अपलोड करूँ, क्योंकि आज जब हम निकल रहे हैं यहाँ से लगभग 5:30 बजने वाले हैं, तो सारी जो डिटेल होगी ना वो मैं आपको रास्ते में चलते चलते बताऊंगा क्यों इतनी जल्दी निकल रहे हैं और कहां तक पहुंचना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो स्वागत है आपका फ्रेश वीडियो में और गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो धारचूला का अभी मैंने नेविगेशन लगाया हुआ है, तो दिखा रहा है 8:15 में हम धारचूला पहुँच जाएँगे और कुल अराउंड 92 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी धारचूला के बाद से ये सारा ऑफ रोड रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा, बाकी वो देखते हैं क्या कुछ रहता है। और फिलहाल तो अभी पिथौरागढ़ से निकल रहे हैं, बाकी लोगों के आने में पीछे हैं, मैं बस रोड पर आ गया था तो थोड़ा यहाँ का मार्केट सोचा कोई खुला वुला होगा तो चाय वाय पिया जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी देखते हैं। जय श्री राम, भगवान जी का नाम लेके जय श्री राम, हर हर महादेव, और निकलते हैं और देखते हैं कैसा रहने वाला है पूरा रास्ता हमारा। प्रभु पूरा रास्ता मंगलमय कराइए। तो सूर्य भगवान के दर्शन हो चुके हैं, ओम नमः शिवाय। तो सूर्य भगवान के दर्शन हो चुके हैं, पहाड़ों और वादियों में हम घुसते जा रहे हैं बिल्कुल। और सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं, ये देखिए पहाड़, और बिल्कुल हरा भरा पहाड़ है ये। सारे के सारे लोग निकल चले, जो ब्रेकफास्ट का सोचा गया है कि ब्रेकफास्ट अभी नहीं करेंगे, 8-9 तक जाके हम करने वाले हैं, क्योंकि धारचूला से हमें पासेस मिलने वाले हैं, जो पास हमें चाहिए होगा, जो हाँ हम चीचम लेक के पास हम जाके दिखाने वाले हैं। तो पास के लिए हमने एजेंट्स को हायर किया हुआ था, तो वो हमारे बिहाफ पर ये पास अरेंज करा रहा है, और वहाँ से हमें लेके आज मैं ओम पर्वत कवर करना है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों भाई, कि इतनी क्या जल्दी है। देखिए आज ही जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो आने वाले हैं और कल वो दर्शन करने वाले हैं ओम पर्वत और आदि कैलाश के। तो इस लिए कोई भी लोकल या टूरिस्ट उस एरिया में अलाउ नहीं है। तो अब हमें आज के दिन ही एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस कवर करना है, जो कि फुल ऑफ रोड भी रहेगा, और 90 किलोमीटर यहाँ से टोटल डिस्टेंस पड़ता है आपका धारचूला। धारचूला के बाद जो फुल रास्ता रहने वाला है वो ऑफ रोड रहने वाला है। एक कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो लगभग उसके बाद का टोटल 30 किलोमीटर के बाद ऑफ रोड रहने वाला है, और उसके बाद आदि कैलाश का अलग से आप जोड़ लीजिए 15 किलोमीटर ऑफ रोड। और तो एनी हाउ हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है, तो इसलिए हम सुबह सुबह निकल चले। राइड स्टार्ट होने से पहले आपको एक और सरप्राइज दिखाता हूँ, जिसमें देख के मजा आ जाएगा आपको। ये देखिए हिमालयन आज ने भी कमाल दिखा दिया। टायर थोड़े से और मजबूत देने चाहिए थे इनको, नहीं ऐसे इतने कमजोर टायर जो 6 महीने में बोल जाए, पता नहीं क्या है। हाँ
अरे देखो हिमालयन के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, हिमालयन नहीं रॉयल एनफील्ड के साथ दो चीज जो इनको बहुत ज्यादा काम करना चाहिए था ना, एक इनको टायर पर काम करना चाहिए था और दूसरा ब्रेकिंग सिस्टम पर काम करना चाहिए था। ब्रेकिंग तो इंप्रूव कर दी इन्होंने, कर दी है, जो 500 सीसी के साथ था ना बिल्कुल ही एकदम बेकार। उसमें तो वो जो यूसी वाले इंजन आए थे ना, चलो चलो बातें मत करो, मेक इट फास्ट, इट्स हॉट। मैं तो पी ली, और अभी मैंने भी अपना जो 500 था उसका टायर चेंज करवाया था। अभी देखिए तो अभी ब्रेक ले लिया, चाय पी रहे हैं और फिर निकल जाएंगे आगे, लेट है अभी हम आधा घंटा। तो थोड़ा बहुत ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है, धारचूला भी आया नहीं है, बट लग रहा था कि सड़क कभी बनी थी यहाँ पे और सड़क को चौड़ी करने के चक्कर में ये जो पुरानी सड़क थी वो चली गई है। बाकी लोग अभी काफ़ी आगे जा चुके हैं, सबसे पीछे मैं ही चल रहा हूँ। जनरली मैं ऐसा ही करता हूँ कि मैं आराम से रिकॉर्ड करते हुए मौसम का मज़ा लेते हुए और चलता रहता हूँ। ये देखिए अब सड़क ठीक हो गई, अभी ऑफ रोड आ गई थी थोड़ी देर के लिए, ऑफ रोड था, पीछे भी कई सारी जगह पैचेस थे जिस पर सड़क अभी नहीं बनी है, तो इसी तरह चलता रहता है। मौसम सही है, ठंडक है, अच्छी खासी ठंडक है। ठंडक इसलिए भी है कि रात में बारिश हुई थी। देखिए अगर सड़क के कॉर्नर्स पर देखेंगे तो गीली है सड़क, तो मौसम कुल मिला के काफ़ी बढ़िया है अभी। मतलब जो ठंडक महसूस करना था ना वो महसूस कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे मेरे ख्याल से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ठंडक थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, और इसी तरह अगर पहाड़ों वाला रहा और 12-1 बज गया तो मेरे ख्याल से कहीं ये ना हो कि धूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फिर गर्मी हो जाए। बाकी देखते हैं जो भी होगा, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। एक और केले के पेड़ लगे हुए हैं यार यहाँ पे इतने सारे, नो ऑरेंज जोन। तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा फॉग हो रखा है अभी तक। पूरे राइड में ठंड तो मिली नहीं लेकिन फॉग ज़रूर मिल गया। तो यहाँ पर हम रुके थे इस ढाबे में और यहाँ पर हमने वही आलू पराठा चाय खा लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं। तो एनी हाउ हमें धारचूला हमें 9 बजे तक तो पहुँचना है, और फिर हमारा जो एजेंट है फिर वहाँ मिलेगा, वो हमें दे देगा हमें पास। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ डन है, पैकिंग करते हैं और वापस फिर निकलते हैं और रोड पर बात करते हैं सारी डिटेल्स। तो भाइयों बहनों जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ, पूरे फॉग ही फॉग हो चुका है। सुबह के 7 बज रहे हैं, ये फॉग देखिए क्या ज़बरदस्त फॉग हो रहा है। ओ भाई मज़ा ही आ गया भाई। अभी तक धूप गर्मी फॉग, तो उम्मीद भी नहीं थी कि फॉग भी देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए फॉग दिख रहा है यार, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। देखिए फॉग के अंदर से होके जा रहे हैं हम सारे। ओ हो मधुमती। ये देखिए ये है सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट अभी तक का, कहाँ चले गए सारे के सारे, इतनी तेज भागे सारे निकल ही गए, क्योंकि अभी धारचूला पहुँचने में अभी लगभग 1.25 घंटे का टाइम लगने वाला है और थोड़ा जल्दी ही पहुँचना है हमें। 7:30 हो रहा है, 7:15, लेट्स मूव। और वो साइड नेपाल हो गया, अच्छा हम इधर इंडिया में हैं। और ये नदी कौन सी हो गई, अच्छा तो ये लोकेशन बड़ा अच्छा सा लग गया, हमें पसंद आ गया। काफ़ी देर से सोच रहा था मैं कि रुकूं बट फिर रुका नहीं मैं, बट अभी जब कोई नहीं रुका तो फिर मैं यहीं रुक गया।
मुझे काफ़ी सही सा लग गया था। मैं सोच रहा था कि ये लोग कोई रुकेंगे, तो कोई रुका नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही रुक जाता हूँ थोड़ी देर। तो ये लोकेशन देखिए, है ना लाजवाब, क्या बात है। जो सामने जो दिख रहा है वो नेपाल है, और हम हैं इस तरफ इंडिया में। उधर की सड़क अभी बनी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही लग रही है। और ये आ गई अपनी नदी बीचों बीच। जो उस तरफ आप देख रहे हैं वो नेपाल हो गया, और इस तरफ हमारा इंडिया हो गया। इन कौन सी नदी है? शारदा। ये शारदा नदी होगी बीच में। खेती बिल्कुल साथ में ही हो रही है, तो काफ़ी फर्टाइल होगा ये लैंड, और गांव भी बसा हुआ है यहाँ पर। उस तरफ जो नेपाल का एरिया है उधर थोड़ा सा चढ़ान वाला है, तो सिटी है उधर खेती नहीं हो पा रही है, तो उधर का एरिया जो है उसके ऊपर हो रहा है उधर की तरफ। काफ़ी अच्छा सा लोकेशन है, पूरा फॉग ही फॉग है। जल्दी से जल्दी धारचूला पहुंचना है। तो धारचूला में आपका स्वागत है, हम आ चुके हैं धारचूला। और ये आ गया चौरस्ता धारचूला। ये देखिए भाई साहब, तो कैलाश मानसरोवर प्रवेश द्वार, नगर पालिका परिषद धारचूला आपका हार्दिक स्वागत करता है। बट हम स्वागत स्वीकार अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं आदि कैलाश के लिए। और इधर से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आज एनी हाउ हमें दर्शन करने ही पड़ेंगे, नो अदर ऑप्शन, नहीं तो ये राइड इनकम्प्लीट रह जाएगा। बारिश हुई है दबा के अभी कुछ दिनों पहले, सुबह से लेके लगता है अभी तक बारिश हुई है। अभी बीच में बारिश ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, तो काफ़ी राहत है, गर्मी भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है, तो दोनों कुल मिला के ओके ओके रिपोर्ट है। इस तरफ बारिश कम दिख रही है। अभी उधर से जिधर हम आगे आ रहे थे उधर से तो बहुत ही बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है। सामने जो दिख रहा है ये धारचूला विलेज है, काफ़ी सुंदर है। बीच से नदी बह रही है, ये जा रही नदी आगे की तरफ, दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में शहर है। ब्लू और रेड का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ खड़े होके। काफ़ी देर यहाँ रुके, अब चलने का टाइम आ चुका है। बाइक बिल्कुल गंदी हो चुकी है। ये अनिल भाई निकले और ये वरुण भाई यहाँ पर खड़े हैं, बाकी निकलते हैं जल्दी से और चलते हैं आगे की तरफ। चलो तो दो बंदे आगे जा चुके हैं, आगे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। शिट मैन, शिट शिट शिट, तो फिर से अब रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। सारे लोग यहीं रुके हुए हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगे। सब कोई मौसम का मजा ले रहे हैं यहीं पे रुक के। सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पता नहीं कितनी देर तक रुक रखेगा। बाकी चलो साइड लगाते हैं, देखते हैं। देखिए उस तरफ नेपाल है, ये इंडिया, ये धारचूला है गांव है, और ये है रोड ब्लॉक। इतनी सारी क्रेनें लगी हुई हैं क्लियर करने के लिए। ये बोल रहे हैं कि यहाँ का अक्सर का यही है, ये वाला पहाड़ अक्सर गिरता ही रहता है, तो ये रोड को थोड़ा चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उधर की गाड़ियाँ छोड़ दिया इन्होंने पहले, तो हम अभी रुके हुए हैं कि एक बार उधर से क्लियर हो जाए तो फिर आप आगे बढ़ें। इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, देखो उधर से भी लगा हुआ है जाम अच्छा खासा, और हमारी तरफ भी करीबन 30-40 गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो मैक्सिमम तो उत्तराखंड की गाड़ियाँ दिख रही हैं। हेलो हेलो, आ गई है भाई, रुकने के लिए बोल रहा है।
अबे पानी डाल के जा रहा साला। बोल रहा था इसके बाद ऐसा ही रास्ता रहने वाला है। अब टाइम आ चुका है ऑफ रोड मोड ऑन करने। नहीं ऐसे MTC अभी किया नहीं है मैंने अभी ऑफ। ये देखिए क्या जबरदस्त वाटरफॉल है, एकदम बहुत ही ऊपर से पानी से निकल रहा पहाड़, क्या लुक है, रियली ब्यूटीफुल। अभी हर कलर के पहाड़ दिखेंगे, क्या जबरदस्त स्पीति की याद दिला रहा है। एक तरफ नदी और एक तरफ पहाड़, बहुत ही बढ़िया व्यू है, क्या बात है। अभी ये वाटरफॉल जो देखा था वो बहुत बढ़िया था, मज़ा आया। बीच बीच में अभी रोड बनी हुई है और नई भी बनी हुई है, ऐसे ही हिसाब किताब चल रहा है। पैच है लंबा लंबा, देख पानी कितना सारा बह रहा है। देखा नहीं, देखा दुख दिखाता। अभी तो बारिश स्टार्ट नहीं हुई, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है कहीं कहीं पैच पे, और बहुत जबरदस्त व्यू आ रहा है। पहाड़ एकदम नुकीले पहाड़ है, बहुत बढ़िया। जरा ये पैच देखना, लग रहा है कि कहीं भूकंप आया है और लैंडस्लाइड हुआ है, या फिर लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये देखिए ये पूरा पैच ही वैसा है, और इसमें अगर बारिश हो जाती है तो बिल्कुल फिसलन हो जाती है, क्या बात है। जबरदस्त ये काम अभी भी चल रहा है, लोग कर रहे हैं रोड साफ करने का काम जो है वो चल रहा है। भाई गर्मी लगने लगी है अच्छी खासी, बारिश हो रही थी, बारिश ना ही हो तो ठीक है, नहीं तो सारा कीचड़ कीचड़ हो जाता है और स्पीड स्लो हो जाता है। लेकिन चीज़ भाई बढ़िया थी, पूरा ऑफ रोड। ओहो हो, पहाड़ हमारे सर के ऊपर और उसके नीचे से हम जाते हुए, स्पीति की याद दिला रहा है। इस बहुत सारे पैचेस स्पीति वाली ही है, थोड़ा बहुत बीच में रास्ता खराब मिलता है बट कोई उससे भी दिक्कत नहीं है। देखिए जरा आगे तक लग रहा है कोई गांव आने वाला है, ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, छत भी पेंट कर देते हैं ब्लू से। हमारी तरफ जो मैक्सिमम चलता है वाइट या लाइट येलो, येलो ऐसा ऐसा चलता है, ग्रेइश ऐसा कुछ कलर होता है, बट यहाँ तो बिल्कुल चटकीले कलर यूज़ कर लेते हैं। ग्रीन दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, लगता है कोई गांव आने वाला है। गुंजी पहुंचना है, गुंजी से ही रास्ता कटता है दोनों जगह का, मुक्तिनाथ और गुंजी से ही रास्ता कटता है
ओम पर्वत और आदि कैलाश का, तो कोशिश यही रहेगी कि एनी हाउ वहाँ जाके पहुँच जाएं गुंजी, और गुंजी में ही स्टे लेके एक जगह आज कवर कर लें और एक कल कर लें, क्योंकि ऑफ रोड बहुत रहने वाला है, पूरा कमर की बैंड बजने वाली है। एक बहुत ही अच्छा ब्रिज आने वाला है, सामने दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल न्यूली। ओह भाई नीचे पानी देखना जरा, पानी का क्या उफान है, पत्थर तोड़ते हुआ लेके आ गया नीचे। ओह हो हो हो, जबरदस्त प्रेशर है पानी का। ओए होए होए, और लगातार हम इसी तरह ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ जा ही जा रहे हैं। अब थोड़े से बर्फ दिखना स्टार्ट हो गया, और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। बट ये है कि बिल्कुल ध्यान रखना है सड़क पे, मौसम सुहावना। लोकेशन देखना आप, क्या बेहतरीन है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। 11:30 बजे 12 बजने वाले हैं, 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। कृपया धीरे चलें, आगे अंधा मोड़ है, ये है अंधा मोड़। तो हम आ चुके हैं चीपू लेक, और ये रहा चीपू लेक का हमारा, यहाँ पासेस वगैरह चेक हो रहे हैं, और अभी SDM साहब आए थे हमारा पास चेक किया, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम अभी हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज ही दर्शन कर लें और दर्शन करके वापस नीचे आ जाएं, बाकी क्रॉसिंग फिंगर्स कि सब कुछ ठीक ठीक से हो जाए, जल्दी हो जाए, महादेव दर्शन दे दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो सामने जो वादियाँ दिख रही हैं ना, ये इस तरफ वाली नेपाल की है, और इस तरफ वाली जो है ये अपनी है इंडिया की। और हम खड़े हैं चौंपू में, और यहाँ पर रुके थे एक ढाबे पे, तो यहाँ होम स्टे भी है, आप रुक भी सकते हैं, और खाने पीने का भी इंतज़ाम है। हमने मैगी पराठे खा लिए हैं, और अभी लगभग 12:30 बज चुके हैं, और कुछ देर पहले SDM की गाड़ी गई थी और उन्होंने हमें रोका भी, और हमारे जो पासेस है वो भी चेक किए। अब कोशिश यही रहेगी कि ओम पर्वत के जो दर्शन है वो आज ही हो जाए। तो अभी हम यहाँ से तुरंत निकलने वाले हैं, हमने खा पी लिया है, बढ़िया सब कुछ काम हो चुका है, बस यहाँ से निकलते हैं। और जो बाइक है अपनी, मेरी बाइक तो वहाँ खड़ी है, एक बाइक यहाँ खड़ी है, दो बाइक पीछे खड़ी है, तो बस निकलना है और पहुँचना है जल्दी से जल्दी, कि ओम पर्वत के दर्शन आज ही हो जाने, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैगी खा ली और थोड़ा बहुत ही कुछ खाया। ऑफ करने की जरूरत है, कैसे ऑफ होगा? ऑफ होगा, चलो छोड़ो आ जाओ। तो अभी स्ट्रीट मोड कर लिया, क्योंकि रोड अभी काफी सही है, स्ट्रीट मोड पर अच्छा माइलेज मिल जाता है, इसलिए स्ट्रीट मोड ही कर लिया। अभी ऑफ रोड आया था तो मैंने ऑफ रोड मोड पर किया था, अब अभी वापस स्ट्रीट मोड कर लिया, क्योंकि अब कोई पेट्रोल पंप नहीं है, और पेट्रोल पंप के लिए वापस से धारचूला आना पड़ेगा, और वो मैं नहीं चाहता। लोकल पेट्रोल मिल जाता है जो कि 150 से 200 रुपए पर लीटर के हिसाब से मिल जाता है, वो भी हम डलवा सकते हैं, ऑप्शंस हैं हमारे पास,
देखा क्या, पता किया था मैंने, तो बोला हाँ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो माउंटेन्स हैं वो काफ़ी स्टिफ है, सीधा हाई है। अभी देखिए मौसम तो काफ़ी हरा भरा बढ़िया लग रहा है, देखते हैं क्या सीन रहता है आगे, बट अभी काफ़ी बढ़िया है, राइड का मज़ा लिया जा रहा है। रोड अच्छी है ना, तो चलाने में भी ठीक लगता है, बट ये भी है कि स्पीड पे कंट्रोल रखना पड़ता है। क्योंकि सामने से भी गाड़ियां आती रहती हैं। पहाड़ तो इतने सारे हैं कि बस हर कलर के। जो राइट साइड में जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको वो नेपाल है। भाइयों और बहनों, फुल ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है, पूरा खराब रास्ता। मतलब जितने मजे में हम खाली सड़क से आ रहे थे ना, अब वैसा ही बिल्कुल खाली सड़क से अब बिल्कुल आ गया है हम खराब ऑफ रोड पे। बुरी तरह से देखो खराब रास्ता है, कोई रोड कभी नहीं बनी है इस सड़क पे, आई कैन फील दैट। अभी देखो आप, बस जो टायरों के निशान बने हुए हैं वही उसी टायरों के निशान पर चले जा रहे हैं, पूरा खराब रास्ता है। ये देखिए ये सीधी चढ़ाई, ये बात, यही वो रास्ता है जिस पर चढ़ाने में लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसमें ये जो बोलते हैं धक्का लगा लगा के लोग चढ़ा रहे थे, ये वही वही वाला है। KTM के लिए तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मक्खन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाइक बनी है इसीलिए कि आप इसे ऑफ रोड पर ले जाएं। ये बिल्कुल पहाड़ काट के अंदर बना है ये। तो 3 KTM है, और एक जो सामने जा रही है वो है हिमालयन 450 नई वाली। जी हाँ, अब बिल्कुल मक्खन की तरह बाइक भाग रही है, पर पत्थर नीचे बहुत टक्कर खा रहे हैं, उड़ रहे हैं तेज भागने पे। सामने जो पहाड़ दिख रहा है वही नेपाल वाला पहाड़ है जो दूर में था, अभी काफी करीब आ गया। ये जो नदी है ये डिवाइड करती है नेपाल और इंडिया को। नेपाल का ऑलरेडी मैं घूम चुका, वो सीरीज आप देखिएगा। मैंने थोड़ा गैप बना लिया, अभी जब काफ़ी करीब आ जाते हैं तो जो रास्ता है वो अच्छा रास्ता वो मैं जज नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये लोग अगर वो उस ख़राब रास्ते से जा रहे हैं तो मुझे भी उसी ख़राब रास्ते से ही जाना पड़ता है, तो इसीलिए। हिमालयन रुकी हुई है अभी,
क्या हुआ? चलो फिर अनिल जी रुके हुए थे, वो ये पूछ रहे क्या हो गया, ऑल ओके या नहीं। ये देखिए ये रास्ता, अबे यार गड्ढे ही गड्ढे।